ये है दुनिया का सबसे ऊंचाई में स्थित श्री कृष्ण जी का अद्भुत मंदिर, जो बना है एक पवित्र झील के बीचों बीच। और इस झील में दिखाई पड़ती है ये बड़ी बड़ी पहाड़ियों की रिफ्लेक्शन, जिससे ये झील और ज्यादा सुंदर लगती है। तो हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक से एक खूबसूरत गांव है, और उन्हीं में से एक ये भी गांव है जिसका काफी कम लोगों को पता है। ये गांव बसा है लगभग 7000 फीट हाइट पर, जो एक ढांक पर बना हुआ है, और इस अनदेखे गांव का नाम है युला खास। कितना देती है आपकी गाय दूध एक बारी में? दो तीन किलो तो 5 किलो तक। 5 किलो पहाड़ी गाय है ना? नहीं, जर्सी है ये। जर्सी। हाँ जी। अच्छा, पर ये शुरू रखा ना। अच्छा, गाय छोटी है वैसा, प्योर जर्सी है। हाँ जी, है आपका ही घर है? हाँ जी। अरे बड़ा सुंदर घर है, पुराना मकान। पुराना है, बड़ा सुंदर है पुराना। ये नया घर से तो ये पुराना ही ठीक है, लकड़ का है, बीमारी है क्या? हाँ, इसमें ठंड भी नहीं लगती। बढ़िया लग रहे आप आंटी, बढ़िया लग रहे टोपी में आप। बुढ़िया को मत निकालो ऐसे। नहीं, बढ़िया लग रहे आप, बहुत ही एनर्जेटिक से है तो यार। तो इस गांव का डिस्टेंस शिमला से लगभग 200 किलोमीटर का है, यहां तक आप बस में आराम से आ सकते हैं। और रही बात होम स्टे की, जिसमें हमने भी स्टे किया था, जिसका नाम है सत्कार होम स्टे, जो कि बिल्कुल रोड के साथ ही है। और इस होम स्टे में आपको बिल्कुल अपने घर जैसा फील होगा, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे साफ सुथरे रूम्स और लाजवाब खाना। हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके एक प्यारे से गांव में जिसका नाम है युला खास, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहां से जा रहे हैं हम युला कांडा की तरफ, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 12 किलोमीटर है। आज का हमारा ट्रैक रहने वाला है बेस कैंप तक, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 8 किलोमीटर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको युला कांडा के बेहतरीन नज़ारे।
यहाँ से भी कितना है दूर? कितना टाइम लगेगा? है बस आप लोगों को लग जाएगा वहाँ बेस कैंप तक, ये मान के चलो 3 घंटे आराम से जाएंगे। शूट करते हुए जैसे टाइम लग जाता है? हाँ जी 3 घंटा लगेगा। मतलब यहाँ से वो जो ऊपर जंगल दिख रहा है ना, अच्छा वहाँ तक थोड़ा सा आप लोगों को ये धूप में चलने को मुश्किल होगा। जंगल से फिर जंगल वाला रास्ता, जंगल वाला रास्ता उसमें धूप था। जैसे जंगल खत्म होगा फिर बेस कैंप आ जाएगा। हाँ जी ठीक है ठीक है जनाब। तो गांव से थोड़ा आगे आने के बाद हमें दिखा एक वाटरफॉल जो कि गोइन गारंग के नाम से जाना जाता है और लोकल लैंग्वेज में वाटरफॉल को बोला जाता है गारंग। तो 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं एक छोटे से गांव में जिसका नाम है योलडंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पीछे सेबों की खेती हो रही है। तो यहाँ के लोकल बंदों से पूछताछ करने के बाद हमें ये पता चला है कि लोग यहाँ पर हेपका वैरायटी पे काम कर रहे हैं और एज अ पॉलिनेटर लोग ग्रैनी स्मिथ की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस साइड को ग्रैनी स्मिथ लगा है और इस साइड को हेपके लगा है। गोइंग गारंग के बाद इस सफर में आपको एक और वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो कि तालिंग गारंग के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए अपने नीतीश भाई इस ट्रैक में फिर एक और हरकत करते हुए। लास्ट ट्रैक में भी इन्होंने एक हरकत करी थी, अपना कैमरा गिरा दिया था और इस ट्रैक में भी इन्होंने अपना चश्मा गिरा दिया है।
बस ये गिराते रहते हैं कुछ ना कुछ, बड़े ही गिरे हुए इंसान है। ध्यान नहीं है तेरा बिल्कुल भी है? Man versus wild. ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये है भोजपत्र, और भोजपत्र का इस्तेमाल प्राचीन काल में वेद पुराण लिखने के लिए किया जाता था। और ये वृक्ष लगभग 9000 फीट हाइट के बाद ही पाए जाते हैं। इस गेट से एंटर करने के बाद आप पहुंचते हैं युलाकांडा के बेस कैंप में, जिसका डिस्टेंस गांव से अप्रॉक्स 8 किलोमीटर का है। और इन खुली वादियों में पहुंचकर हमें इतना ज्यादा सुकून मिला कि जैसे सारी थकान ही गायब हो गई हो। ये है भगत मिलाप कैंपसाइट। यहाँ आपको खाने पीने से लेकर सोने तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, और यहाँ तक कि ये आपको ट्रैक गाइड भी अरेंज करवा कर देंगे। और आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि इस ट्रैक पर शराब और नॉनवेज का लाना सख्त मना है। तो सुबह का नज़ारा जो हमें बेस कैंप से देखने को मिला वो सच में अनरियल था। मानो ऐसा लग रहा था कि बादलों के ऊपर भी एक दुनिया है।
तो इन बर्फ से ढके पहाड़ों के सामने बैठकर गर्मा गर्म कॉफी के साथ परांठे खाने को मिल जाए, इसका मजा ही कुछ अलग है। कल बेस कैंप में रुकने के बाद अब हम निकल रहे हैं आज युलाकंडा की तरफ, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर का पैच है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। तो इस ट्रैक पर चलते चलते हमें दिखे ये प्यारे से फूल जिसका नाम है गुलाबी बुरांश। और जितने ही ये फूल देखने में सुंदर है, उतने ही कम जगहों पर ये देखने को मिलते हैं। और ये हमारे हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर भी है। तो युलाकांडा ट्रैक पर आपको एक लेक भी मिलेगी जिसका नाम है कासोरंग लेक, और इसे भीमकुंड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छी जगह, यहाँ से बस 1 घंटा लगेगा आपको, बर्फ बहुत है ऊपर। पहुँचने से पहले हमें थोड़ी बारिश लगती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर है अंदर बढ़िया। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा यहाँ बैठ जाते हैं, जब बारिश रुकती नहीं है तो अंदर इसमें बैठ जाते हैं। अगर आप कभी आए, अगर आपको बारिश लगे या बर्फ लगे, तो आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सही है, काफ़ी सेफ है यहाँ पे।
तो बेस कैंप से 4 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं 12,000 फीट हाइट पर बना द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लॉर्ड कृष्णास टेंपल युलाकंडा, जो स्थित है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की रौरा वैली में, और इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। तो जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे, उसी दौरान यहां बारिश भी लग पड़ी, और यहां के लोगों का मानना यह है कि अगर आप इस मंदिर में आए और बारिश लग पड़े तो आप खुश नसीब है। तो इस सुंदर सी जगह में बैठकर आपका समय बिताना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी शांति और सुकून महसूस होगा। So this was the end of our video. और आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो भी आपका वैल्यूबल फीडबैक है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल में आता रहेगा। और अगर किसी को भी इस ट्रैक के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम में DM करें। इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, हमारे इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।